ओम शांति। इस शरीर का नाम बीके मधुबन है। मैं ऊना गुजरात से हूँ और 15 साल से ज्ञान में हूँ। ज्ञान से पहले बिल्कुल अलग थी, अभी बिल्कुल अलग है। देखो, ज्ञान नहीं मिला था तो कोई कुछ भी बोलता था तो हम उसको सामने, वो बड़े होते तो भी इतना बोल देते थे, नहीं मालूम था क्या करना है। लेकिन जब ज्ञान मिला, और वो ज्ञान ऐसे मिला, मैं एक जगह, माना उसका नाम है महिलावाड़ी, वहां गई और वो बीके विमला बहन है, उसने सुनाया। देखो, और सुनाया कि देखो, इस शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। ज्ञान से पहले हम बहुत शरीर का श्रृंगार कर रहे थे, कुछ मालूम नहीं था। उसने बताया, भगवान ने बोला है ज्ञान का श्रृंगार करो, आत्मा का श्रृंगार करो। तो धीरे धीरे उसने वो ज्ञान की बातें सुनाई, और ये हुआ कि उसने एक बार सुनाया और हमने अपने जीवन में अपना लिया। बाद में हमारा व्यवहार, हमारे रहने का ढंग, हमारे खाने का, वो सब बदल गए, और लोग बोलने लगे, आप तो बिल्कुल बदल गए हो। ज्ञान से पहले तो इतना शरीर को श्रृंगार कर रहे थे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और अभी देखो, बाबा ने अनिमित, ये निमित आत्मा जो बनी है, उसने इतना श्रृंगार कर दिया अंदर से कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति आए तो हमको हिला नहीं सकती है। माना अभी लोगों को ये जरूरत है, बाह्य श्रृंगार तो सिर्फ आंखों को अच्छा लगता है, ये अंदर का जो श्रृंगार है ना, वो तो अपने मन को बिल्कुल भरपूर कर देता है। हमारे अंदर की ऐसी इच्छा है कि सबको ये ज्ञान मिल जाए, अपना जीवन सवर जाए। और देखो, आप ये जो ब्रह्म कुमारी को देख रहे हो ना, वो कोई साधारण नहीं है। वो दिखती साधारण है लेकिन वो सच में सच्ची सच्ची देवियां हैं, जिसने अपने जीवन को, अपने जीवन का हर बात, माना खाना पीना, रहना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब इच्छाएं है ना, वो सब भगवान को सौंप के, वो हम जैसे लोगों, भटके हुए लोगों को, संसार में भटक गए हैं ना जो लोग, उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। देखो कितना बड़ा त्याग है। और स्वामी विवेकानंद ने भी बोला था, कितने साल पहले बोल दिया था कि भारत की वो श्वेत वस्त्रधारिणी वो सारी दुनिया को भगवान का परिचय देगी। तो देखो, अभी वो समय आ गया है भगवान को पहचानने का, ये मौका आप मत गवाना। बोल दिया ना, ऐसा बोला है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आप अपना जीवन सवारो और सब लोग सुख शांति आनंद प्रेम से जीवन में रहे, एक दूसरे को इतना सहयोग दे और साथ मिलकर, ये सब हम लोगों को ये बीड़ा उठाना है कि हाँ, संसार में ऐसी कोई व्यक्ति ना रहे जिसको भगवान का परिचय ना हो। हम खुद कौन है, क्यों आए हैं, अभी कर क्या रहे हैं और करना क्या है, वो सब हमको कम से कम इतना तो मालूम होने ही चाहिए। वरना क्या, खाया पिया सोया और मर गए, ऐसा तो जानवर भी जीवन जी लेते हैं। तो हम तो मनुष्य है ना, भगवान ने अलग से हमको वो बुद्धि दी है। तो अपना जीवन कैसा कैसा बनाना है, कैसे चलाना है, वो अभी स्वयं भगवान आकर सुना रहा है। तो हम सबका जीवन ऐसे सवर जाए कि जैसे चार चांद लग जाए। अच्छा, ओम शांति।